कहाँ हो यार जोया? पूरे कॉलेज में ढूंढती फिर रही हूँ मैं तुम्हें यार। तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा है। मुझे कहाँ जाना है, यही हूँ मैं। तुम्हें कुछ काम था मुझसे? क्या मतलब कोई काम? मतलब मुझे कोई काम होगा मैं तुमसे तभी मिलूंगी। हाँ क्या हुआ है जोया, कुछ अपसेट लग रही हो? सब ठीक है? नहीं ठीक हूँ। क्या हुआ है, इटली वाले से कोई नाराजगी चल रही है क्या? मुझे रेफरेंस बुक देखनी है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। जोया क्या हुआ है यार, मैं कल शाम में तो आई हूँ इस्लामाबाद से। तुम्हें बताया तो था मेरी कजन की शादी है, तुम्हें पिक्चर्स भी तो भेजी थी। तुम ऑफलाइन थी, तुमने देखी नहीं, ना कोई रिप्लाई किया। कितनी बुरी बात है। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। समझ आ गया है कि ऑफलाइन होना ऑफ ट्रैक होने से बेहतर है। जोया इनकार मत कीजिएगा। अरे शीरी क्या तकल्लुफ कर रही है, आज ही आपको तनख्वाह मिली है, वो भी पूरी नहीं मिली, आज ही खर्च कर दोगी, घर का खर्च कैसे चलेगा? और इस दफा तो पैसे भी कम मिले हैं। इतने मिल गए हैं कि कर्ज अदा कर सकूं। इनकार ना कीजिएगा प्लीज। आपने अपने बेटे से बात की? हाँ मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन आप तो जानती हैं आजकल की औलाद को माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। जैसे ही मैंने बात शुरू की कन्नी खा गया। सलीम साहब मैं ये चाह रही थी कि आप अपने बेटे को जोया के बारे में सब कुछ सच सच बता दें। सच्चाई जानकर ही वो कोई फैसला करे तो ये उन दोनों के लिए बेहतर होगा। उस दिन पता नहीं रवानी में मैं क्या कह गई, बाद में मुझे एहसास हुआ कि ठीक कह रही हैं आप, ये बहुत जरूरी है। और ये भी कि कोशिश कीजिए कि आपका बेटा आपके दबाव में आकर मेरी बेटी से शादी ना करे। सोया की आगे की जिंदगी के लिए ये जरूरी है। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, ये आप रख लीजिए।